सो नमस्ते गाइस, टाशु तलाक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं अच्युत सिरिंग को थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अपने साथ आने का मौका दिया और वीडियो बनाने का मुझे मौका दिया। आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच अच्युत सिरिंग, एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच मन कलर शॉट एंड मिस्टर थुपतंजी सर। और आज की वीडियो में क्या होने वाला है वो तो आपको आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा। मैं अभी से बता के इस वीडियो का मजा जो है वो किरकिरा नहीं करना चाहता, तो बने रहिए वीडियो पे। सो टिल द एंड स्टे ट्यून एंड एंजॉय द वीडियो। तो बहुत सुंदर सुंदर जगह है तो उसको एक्सप्लोर कर सकने से तो आगे वीडियोस में हम तवांग के अंदर में जितनी सुंदर सुंदर जगह है उन सबको एक्सप्लोर करने का कोशिश करेंगे। ऐसा व्यू हो और हमारे मोन कलर शॉट फोटोग्राफी ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप देख सकते हैं हम लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं और ये फोटोग्राफी में लगे हुए हैं। मेडिटेशन थोड़ा होना पड़ेगा। सो गाइस, इस होली लेक के बारे में हमें कुछ मिथ्स पता चला है तो उसे एक्सप्लेन करेंगे मिस्टर थुपतंजी सर। सो गाइस, लाइक बेसिकली क्या है बोलने से, इफ़ यू कम टू हियर एंड लाइक थोड़ा मेडिटेशन एंड ऑल करेगा एंड थोड़ा पीस ऑफ माइंड होगा ना, एंड लाइक शाह ऐसी ऐसा अलग कोई शाह ऐसी बोलते हैं। सो अगर आप जब लाइक ये सब करोगे एंड माइंड को ठंडा रखोगे दैन यूल गेट टू सी सम लाइक मॉन्क्स, वो होंग टाइप नहीं होते जो बजाते, सो यूल गेट टू सी दैट इन हियर। इट्स अ मिथ एक्चुअली, सो होंग वाला फोटो होने से दिखा देना, दिखा देगा इसमें लाइक लामा लोग होंग बजाते ना इंटोरिया एंड ऑल, सो वो पार्ट जो या वो या में दिखाई देने को मिलता है, ऐसे मिथ है। एंजॉय करने के बाद में चलो हम थोड़ा साफ कर देते हैं। चलो कोई नहीं जी, और आप जैसे कि देख सकते हैं कि कितने सारे कचरे यहाँ पे फैले हुए हैं। सो मैं अपने व्यूवर्स से ये विनती करता हूँ कि अगर आप भी कभी ऐसे जगहों पे आते हैं तो गंदगी ना फैलाएं। इंजॉय करने के बाद में अपने कचरों को जैसे कि प्लास्टिक्स और बॉटल्स वगैरह हैं उनको वापस लेकर जाएं और डस्टबिन में फेंकें। कृपया करके ऐसे जगहों पर ना फेंकें। देखा नीचे तो वो वहाँ में हम लोग मिक्स हो जाना, क्योंकि वो लेक का पानी जो रनिंग वाटर है ना वहाँ से हम लोग क्रॉस करना पड़ता है, तो गंगा से हम लोग जो टच हो जाता है ना गंदा हो जाता है, वो नीचे जगह मिक्स होता है। तो फिर वो नीचे वाला जो बहुत बुरी लेक है ना, तो नीचे वाला में तो हम लोग जा भी नहीं पाता तो लेक में। भाई जानसन से थोड़ा पीछे हम लोग यहाँ पे रुके हैं फोटोशूट करने के लिए, तो यहाँ से व्यू काफ़ी काफ़ी गजब का है। तो हमारे वैसे हम लोग का यहाँ का फोटो शूट हो चुका है, अब जा रहे हैं यहाँ से। मैंने थोड़ा पहले भी आपको बताया कि अगर इस तरह के सुंदर जगहों पे ये फोटोग्राफी ना करे तो कहाँ चले गए। बहुत सुंदर जगह है, आप लोग भी आओ यहाँ। सही सही ना। और आज हम लोग बात कर रहे हैं कैंपिंग करेगा के, तमाम एक्सप्लोर करेगा के। अगर प्लान के मुताबिक जाने से तो एक्सप्लोर हो जाएगा, एक्सप्लोर हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे फिर फोटोशूट के लिए रुके हैं। तो सायोनारा। सो अब नेक्स्ट फोटोशूट लोकेशन है ये पिटित्सु लेक। सर तो लाइक थोड़ा सा ये नेहरू युवा केंद्र के बारे में बताइए ना।
हाँ, ये नेहरू युवा केंद्र जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स का अंदर में एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। तो अभी हम ये यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनने के नाते हम क्या कर रहे हैं, अभी जो टोक्यो में 2020 का जो ये ओलंपिक होने जा रहा है ना, इसमें हमारा जो इंडिया से जो पार्टिसिपेट करेगा उसके लिए हम शेयर करने के लिए यहाँ पे पहुँचा है। जैसे 4200 ये मीन्स बहुत हाई एल्टीट्यूड फायरिंग रेंज है, यहाँ पे आके हम सपोर्ट कर रहा है कि इंडिया टीम हमारे लिए मेडल लाए और उन लोग उम्मीद पे खरे उतरे। तो ऑल द बेस्ट इंडियन टीम, हम चाहते हैं आप लोग हमारा देश का नाम रोशन करें, वही बोलना है। थैंक यू। थैंक यू सर। When no one showed you that you deserve the world, and I know that love will someday come around. So are we lunch ke liye aaye hain?